नमस्कार, मैं डॉक्टर कंचन भारत होम्योपैथी में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज के वीडियो में हम बात करते हैं फीमेल्स के बारे में जिनकी हड्डियों में और जोड़ों में बहुत ज़्यादा दर्द रहता है और उनको काफ़ी कॉम्प्लिकेशंस आती हैं, कुछ ना कुछ उनको हुआ ही रहता है, जैसे कि हेयर फॉल होना, कमज़ोरी महसूस करना, थकावट महसूस करना या बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ापन आ जाना। तो इसके पीछे का रीज़न क्या है आखिर? जो फीमेल्स हैं वो अपना ध्यान पहले नहीं रखती हैं, वो किनका ध्यान पहले रखती हैं? अपने फैमिली मेम्बर्स का ध्यान बहुत पहले रखती हैं, वो अपने आप का ध्यान रखती ही नहीं है, जिसके वजह से क्या होता है, उनको प्रॉपर डाइट नहीं मिल पाती है, प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिल पाता है, जैसे कि मिनरल्स हैं, विटामिन है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, जिंक है, ये सारी चीज़ें जो हैं उनको प्रॉपर तरीके से नहीं मिल पा रहा है, जिससे क्या हो रहा है, उनके बॉडी में प्रॉब्लम क्रिएट हो रही हैं। अगर कैल्शियम की कमी होगी तो क्या होगा, जॉइंट्स में पेन होगा। अदर सप्लीमेंट्स की अगर कमी हो रही है तो जाहिर सी बात है हेयर फॉल होगा, इरिटेशन होंगी पेशेंट को। जो पीरियड्स जो फीमेल्स को आते हैं वो क्या होंगे, इरेगुलर होना स्टार्ट हो जाते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि फीमेल्स को अपने ऊपर भी ध्यान देना बहुत ज़रूरी होता है। तो बात करते हैं उनकी डाइट के बारे में। जिन भी पेशेंट को या जिन भी फीमेल्स को हड्डियों में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है तो उनको क्या करना है, उनको अपने एटलीस्ट कैल्शियम का ध्यान देना। अब कैल्शियम कैसे मिलेगा, आप मिल्क ले सकते हो। मिल्क में कैल्शियम बहुत ही अच्छी मात्रा में पाया जाता है। कुछ पेशेंट होते हैं या कुछ लोग होते हैं जिनको क्या होता है कि दूध पीना अच्छा नहीं लगता है। क्यों नहीं लगता है, क्योंकि उसमें से स्मेल आती है। तो अब उनको उसकी खुशबू से ही, अगर वो दूध गर्म कर रही हैं या दूध पीने की कोशिश करती हैं तो अगर दूध में से कुछ कोई भी खुशबू आ रही है या कोई भी स्मेल आ रहा है तो पेशेंट को दूध पीने का मन नहीं होता है, या किसी को दूध जो है वो डाइजेस्ट ही नहीं होता है, तो उसका एक अलग ही सोर्स होता है कि आप उसको कैसे कंज्यूम करें जिससे आपकी बॉडी में कैल्शियम की मात्रा जो है वो कम ना हो। तो आप क्या कर सकते हो, योगर्ट ले सकते हो, आप खीर बना के खा सकते हो। तो जब आप दूध कंज्यूम करोगे, दूध लोगे तो आपकी बॉडी में क्या होगा कि कैल्शियम की कमी नहीं होगी। अगर दूसरा हम सोर्सेज देखें कि आपके अपने बॉडी में कैल्शियम की कमी को कैसे पूरा कर सकते हैं, आप कर्ड ले सकते हैं। कर्ड में क्या होगा, कर्ड में कैल्शियम होता है, विटामिन्स होता है, जो कि आपके आपके जॉइंट्स में या किसी भी तरीके से अगर कोई भी बॉडी में पेन हो रही है तो उस चीज़ को वो कवर करेगा, यानी कि उस चीज़ को आपको महसूस भी नहीं होने देगा जब आप रेगुलर बेसिस पे दही खाना स्टार्ट करते हैं। और दूसरा क्या सोर्सेज है कि आप ड्राई फ्रूट्स ले सकते हैं, ड्राई फ्रूट्स भी बहुत अच्छा होता है। अब ड्राई फ्रूट्स में आप बादाम ले सकते हैं, काजू भी ले सकते हैं, आप वॉलनट भी ले सकते हैं, इनमें भी बहुत अच्छा सोर्सेज होता है, कैल्शियम, विटामिन, मिनरल, सारी चीज़ें इसमें पाई जाती हैं। अगर आप बादाम, अखरोट, काजू अगर आप ले रहे हैं, कंज्यूम कर रहे हैं, तो आपके जॉइंट्स में या आपको बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ापन महसूस हो रहा है या हेयर फॉल हो रहा है, कोई भी कॉम्प्लिकेशंस आ रही हैं अगर आपके बॉडी के अंदर, तो वो धीरे धीरे क्योर की तरफ आप जाएंगे। नेक्स्ट होता है कोकोनट वाटर। कोकोनट वाटर भी जो होता है बहुत अच्छा सोर्सेस होता है मिनरल्स के लिए। अगर आप एक दिन में 2 से 3 भी अगर कोकोनट वाटर आप कंज्यूम कर रही हैं तो आपकी बॉडी में अगर मिनरल्स की भी कमी हो रही है तो उसको पूरा किया जा सकता है। अब मैंने अभी स्टार्टिंग में बोला कि फीमेल्स अपना ध्यान नहीं रखती हैं, तो ये वीडियो खासकर फीमेल्स के लिए है कि अगर आप अपना ध्यान नहीं रखेंगी तो आप अपने फैमिली मेम्बर का भी ध्यान नहीं रख पाएंगे, क्योंकि अगर आपको कुछ हुआ तो फैमिली मेम्बर्स को जाहिर सी बात है कि वो आपको देख के स्ट्रेस लेंगे और फिर उनकी भी प्रॉब्लम जो होगी वो क्रिएट होगी, कोई ना कोई उनको बीमारियाँ भी होनी स्टार्ट हो जाएगी। तो फीमेल्स आप लोग अपना भी ध्यान रखिए और अपने फैमिली मेम्बर्स का भी ध्यान रखिए, आप तभी ध्यान रख पाओगे जब आप अपना खुद का ध्यान रखोगे। तो आज जितने भी मैंने आज आपको सोर्सेज बताए हैं, कर्ड हो गया, मिल्क हो गया, कोकोनट वाटर हो गया, ड्राई फ्रूट्स हो गया, ये सारी चीज़ें जो हैं वो विटामिन, कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक सभी को कवर करती हैं। आप स्प्राउट्स चने भी ले सकते हैं रात में भिगो के, अगर आप दिन में उठ के आप एक बाउल अगर आप चिकपी खा रही हैं तो इससे आपको बहुत ही अच्छा सोर्सेस मिलेगा। आपको क्या होगा, आयरन की कमी जो होगी वो भी ख़त्म हो जाएगी, धीरे धीरे आपका आयरन जो है वो बैलेंस में आना स्टार्ट हो जाएगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मैं मिलूँगी आपको नेक्स्ट वीडियो में। कोई भी पेशेंट किसी भी बीमारी से सफ़र कर रहा है तो भारत होम्योपैथी में मैं उसका स्वागत करती हूँ। भारत होम्योपैथी में डॉक्टर्स की टीम है, आप उनसे ऑनलाइन कंसल्ट कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आप मुझसे ओपीडी में मिलना चाहते हैं तो आप मुझसे ओपीडी में भी मिल सकते हैं, पर आपको क्या करना होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको अपनी अपॉइंटमेंट फिक्स करानी होगी, देन आप मुझसे ओपीडी में भी मिल सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।